BGMI पे गन्स का बुफेट देख बिरो विच गन शुड आई टेक। अगर आप भी करते हो इस कंफ्यूजन से रिलेट तो आज करेंगे बेस्ट गन्स पे मोटा डिबेट। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ओजी स्कारल वर्सेस M416 के बारे में। अब स्प्रेस के मामले में दोनों ही गन बहुत अच्छी हैं, लेकिन इन दोनों में से M4 ज्यादा स्टेबल और ज्यादा स्मूथ लगती है मुझे, क्योंकि इसमें स्टॉक अटैचमेंट हम इजीली ऐड कर सकते हैं, उससे गन का स्वे और ओवरऑल स्टेबिलिटी कुछ हद तक कंट्रोल में आ जाती है। लेकिन ये जो स्टॉक वाली अटैचमेंट है ना, ये तुम स्कारल में नहीं यूज कर सकते, और टैक्टिकल स्टॉक ना होने के कारण स्कारल को स्टेबल रखना जनरली ज्यादा मुश्किल होता है। रेंज की बात करें तो ये दोनों ही गन शॉर्ट, मिड और लॉन्ग रेंज में अच्छी चलती हैं, लेकिन क्लोज रेंज में मुझे स्कारल ज्यादा पसंद है क्योंकि इसका डैमेज थोड़ा M4 से ज्यादा होता है। बाकी अगर बात करूं तो M4 ही अच्छी है क्योंकि उसमें आप अटैचमेंट्स भी कर सकते हो और वो क्लोज से लेके लॉन्ग रेंज में काफी स्टेबल और काफी अच्छी रहती है। तो आ जाओ गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं AKM वर्सेस M762 के बारे में। तो अब गाइज, ऑन पेपर स्टैट्स देखे जाए तो AKM क्लियरली यहाँ पे विन करती है, क्योंकि इसका डैमेज भी स्लाइटली ज्यादा है M762 से, एंड यहाँ पे तुम्हें कोई ग्रिप वगैरह भी ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें कोई स्लॉट ही नहीं है ग्रिप लगाने का। इसी वजह से पापा के दिए हुए पुराने फोन की तरह जैसा है वैसा ही चलाना पड़ेगा। इसके सामने M762 बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल गन रहती है। यहाँ पर मैं लेजर ग्रिप लगाकर चलाता हूँ ना, तो गाइस जो बुलेट स्प्रेड है वो एकदम अच्छा हो जाता है एंड मास क्लोज रेंज के लिए अच्छा वेपन बन जाता है। 3 अब बात करते हैं DBS वर्सेस S12K के बारे में। अब जैसे ही तुम S12K को स्पैम करना शुरू करते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि इसका रेट ऑफ फायर DBS से ज्यादा है, वो गन बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाती है और जो तुम्हारा एम है वो एनिमी पे लगना मुश्किल हो जाता है। अब ठीक यही चीज DBS में तुम फेस नहीं करोगे, क्योंकि जैसे ही हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है, ठीक वैसे ही हर 2 गोली पे इस गन को रिलोड करना होता है, और उस टाइम पे तुम अपना जो एम है वो फिर से एनिमी पे लगा सकते हो और उनको एक्यूरेटली डाउन कर सकते हो। अब मुकाबला होने वाला है AMR एंड AWM के बीच। तो गाइज, एज यू ऑल नो कि ये दोनों गन सिर्फ तुम ड्रॉप पे ले सकते हो। इन दोनों वेपन से तुम लेवल 3 आर्मर पहनने वाले एनिमीज को भी 1 शॉट में एटलीस्ट नॉक तो कर सकते हो। अब जो AMR है ये एक एंटी मटेरियल राइफल है, तो अगर एनिमी व्हीकल के पीछे खड़ा है तो भी बहुत अच्छे चांसेस है कि तुम उसे कार के आर पार भी नॉक कर सकते हो। और तो और AWM और बाकी स्नाइपर्स की तरह हर शॉट के बाद ये रीलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट एक जगह जहाँ ये मार खा जाती है वो है एमओ और उसकी कैपेसिटी। AMR में 5 शॉट की कैपेसिटी होती है, लेकिन बोल्ट एक्शन स्नाइपर्स को चलाने में जो फीलिंग आती है वो तो सिर्फ AWM से ही मिलती है। चलो गाइज, अब बात करते हैं LMGs के बारे में। इसमें आ जाती है M249 DP28। अगर M249 की बात करें तो सबसे पहले बात करनी पड़ेगी उसकी बुलेट कैपेसिटी की। एक्सटेंडेड मैग के साथ आप अप टू 150 एमओ कैरी कर सकते हो, जिसकी वजह से ये 1v4 सिचुएशंस में काफी ज्यादा बढ़िया वेपन बन जाती है। एमओ कैपेसिटी और क्लोज रेंज फाइट्स, इन दोनों रीजंस की वजह से मेरे को ये गन बहुत ही बढ़िया लगती है। इस गन को जब शूट करोगे तो तुम्हारे सारे एनिमीज को बहुत जल्दी लगने लगेगी बेटा गर्मी। लेकिन मिड और लॉन्ग रेंज में DP28 को बिल्कुल नहीं भूल सकते, क्योंकि इसका फायर रेट बंटी के साबुन की तरह स्लो है, तो क्लोज रेंज में इसे यूज करने में सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर फायर रेट कम होता है तो डैमेज ज्यादा होता है, ठीक वैसे ही इस गन का भी सबसे ज्यादा डैमेज है। तो चलते हैं UMP वर्सेस AKM के बारे में। गाइस, जब कंटिन्यूस फायर देने वाली गन्स की बात करें तो मेरे हिसाब से क्लोज रेंज की चैंपियंस हैं ये दोनों गन्स। AKM एक AR है तो थोड़ी सी हैवी है और ऐसे में इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर तुम बिगिनर हो तो UMP45 तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन बन सकती है। और UMP को कंट्रोल करना आसान है तो उसका डैमेज थोड़ा लो है, लेकिन क्योंकि UMP का फायर रेट भी हाई है, चांसेस हैं कि तुम्हारे ज्यादातर गोलियां एनिमी पे लगेंगे और वो नॉक या फिनिश ही होंगे। और हाँ, एक एक्स्ट्रा टिप दूं, UMP को लेजर ग्रिप अटैच करके चलाओगे तो स्वाद ही आ जाएगा भाई क्लोज रेंज में। तो चलो गाइज, अब बात कर लेते हैं सबसे बेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट वेपन के बारे में, पैन। तुम्हारे टीममेट से ज्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए पैन साबित होगा, ये मेरे से लिख के ले लेना, क्योंकि पीछे से जब गोली पड़ने वाली रहती है हमारा पैन ही हमें बचाता है, और वो विनर विनर चिकन डिनर पकाने में भी तो काम आ जाता है ना। तो भाइयों बहनों, मेरी गन प्रेफरेंस तो आप सब जान ही चुके हो, लेकिन आपकी फेवरेट गन कौन सी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और ये भी बताओ कि आगे की वीडियोस में क्या सीखना चाहोगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अभी के लिए अपने भाई विक्टर को विदा कीजिए।
बाय बाय दोस्तों, सी यू ऑन द नेक्स्ट वन।